सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं जितेंद्र बारवे, व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक, तीनों वर्ग में चयनित अभ्यर्थी हूँ। कुछ देर पहले मैंने फेसबुक में पोस्ट किया था कि मैंने इस भर्ती को लेकर के जितनी भी बातें अब तक कही है वो लगभग सब सही हुई है करके। आप 2019 से लेकर के अब तक जितने भी पोस्ट छत्तीसगढ़ डी एड बी एड संघ में हुए हैं उसमें मेरे कमेंट्स जहाँ जहाँ मिलेंगे वहाँ आप देख सकते हैं सरकार की मंशा मैंने पहले भी स्पष्ट कर दी थी। साथियों, उस समय मेरा काफ़ी हद तक मजाक उड़ाया गया था कि आप नकारात्मकता फैला रहे हैं, सरकार विरोधी बातें कर रहे हैं, आप भाजपा वाले हैं, और आप किसी ने तो यह भी कह दिया था कि आप भविष्यवक्ता हैं, आप ही बता दो कब होगी भर्ती करके। साथियों, खैर उस समय मुझे बुरा नहीं लगा था कि क्योंकि उत्साहित होने वाली बात भी थी वो कि रेगुलर भर्ती निकल रही है, उसमें बाधा आना स्वाभाविक था, छोटी छोटी बाधाएँ हैं टल जाएंगी, ऐसा उम्मीद था। तो साथियों, मैं जो बातें अभी कहना चाहता हूँ वो शायद सबके लिए सही ना हो, लेकिन इसमें आप विचार करके देखेंगे तो मैं समझता हूँ बहुतों को सही लगेगा। हम में सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि हम खुश बहुत जल्दी हो जाते हैं। डी एड बी एड संघ में बहुत सदस्य ऐसे हैं कि सरकार जो भी निर्देश आदेश जारी करती है भर्ती के संबंध में हम उसको सकारात्मक ही देखते हैं, सकारात्मक लेकर के चलते हैं और खुश हो जाते हैं और हाथ पे हाथ धरे बैठ जाते हैं। आप उसमें गलतियां भी ढूंढने का प्रयास करिए। हर चीज़ को सकारात्मक लेना मेरे हिसाब से 100% सही नहीं है। मैं तो दोनों सोचता हूँ, निगेटिव पॉजिटिव दोनों सोचता हूँ। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि मैं एकदम नकारात्मक सोचता हूँ करके, मैं सोचता हूँ ज़रूर नकारात्मक, लेकिन पूरा 100% नकारात्मक नहीं सोचता, मुझ में भी पॉजिटिविटी है। लेकिन कहाँ पे पॉजिटिव सोचना है, कहाँ पे निगेटिव सोचना है, ये जो है मेरा स्पष्ट रहता है। तो सबसे बड़ी कमजोरी मैंने जैसे कि कहा, हम खुश बहुत जल्दी हो जाते हैं, उत्साहित बहुत जल्दी हो जाते हैं और हर चीज़ को पॉजिटिव तरीके से लेते हैं, और वही जो है हमारे शिक्षक भर्ती में भी बाधा और विवाद का कारण है। दूसरी चीज, खुश और उत्साहित होने के अलावा हम समझौता भी बहुत आसानी से कर लेते हैं, बहुत जल्दी कर लेते हैं। बेरोजगार हैं, क्या करें, जो भी हो भागे भूत के लंगोटी से ही एक कहावत है, उसी सिद्धांत पे चलने लगते हैं। लेकिन साथियों, आप जो है बिल्कुल भी भ्रम में न रहें। हम इतने आवेदन, निवेदन, ज्ञापन, प्रतिवेदन क्या कुछ नहीं किए, विधायक, मंत्री, सांसद और जितने भी कांग्रेसी या इस भर्ती से संबंधित अधिकारी हैं, शासन प्रशासन सबसे मिल चुके, सब तक बातें पहुंचा दी और रिजल्ट आप सबको पता है क्या है। तो मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है, अब आवेदन निवेदन छोड़िए, सीधा सीधा जैसे कल एक मुहिम चला था अपने फेसबुक पेज में लाइव आकर के सरकार से एक बार फिर से अनुरोध किए थे भर्ती को करने के लिए, उसी तरह से फेसबुक लाइव आइए, अब विरोध दर्ज करिए, आग्रह निवेदन शब्द हटा दीजिए वहाँ से, अब सीधा सीधा विरोध, आक्रोश दिखना चाहिए सभी के चेहरे से, सभी के बातों से, भले इसका परिणाम कुछ भी हो आप मत सोचिए। आप देखिए, बिल्कुल आप ऐसा मत सोचिए कि भर्ती हमारी लटक जाएगी। सरकार जो है भर्ती करना चाहती है तो होगी और नहीं करना चाहती तो आप कुछ भी करो, आप आत्महत्या करो, चाहे आप जान दे दो, चाहे सड़क पे उतरो, चाहे लाठी खाओ, कुछ जेल जाओ, कुछ भी करो, भर्ती अगर करना चाहेगी तो होगी और नहीं करना चाहेगी तो नहीं होगी। लेकिन हम हाथ पे हाथ धर के बैठे भी नहीं रह सकते, ये भी सही है। तो हम जो कल जैसे मुहिम चलाए थे आग्रह निवेदन का, क्या था वो, स्पीक अप फॉर टीचर्स राइट्स, इसी तरह से हम और मुहिम चलाएं, लेकिन आग्रह निवेदन शब्द वहाँ से हटा दें, केवल आक्रोश और विरोध दिखे। और विरोध किस बात का, जितने भी अभी तक हमने समझौता किए हैं, वेतन को लेकर के, स्टाइफंड को लेकर के,
और परिवीक्षा अवधि को लेकर के इन सब का विरोध होना चाहिए। भर्ती तो ऐसे भी विलंब हो चुकी है, 2 साल 2.5 साल लटक चुकी है, 2 साल और नहीं सही, चुनाव आएगा तब भर्ती झक मार के करेगा सरकार और भर्ती के बलबूते पे ही वो चुनाव लड़ सकेगी। अगर भर्ती नहीं करेगी तो उनका कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है कि वो आपके दरवाजे पे वोट मांगने आए। मैं सरकार की मंशा स्पष्ट पहले भी किया था, अभी भी कर देता हूँ। पहले भी मैंने कहा था कि भर्ती होगी लेकिन सरकार जब चाहेगी तब, और इतनी जल्दी सरकार भर्ती नहीं करेगी, और अभी भी वही चीज़ कह रहा हूँ। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि सरकार सड़क की लड़ाई मत लड़िए, सड़क की लड़ाई लड़िए, लेकिन समझौते के आधार पर बिल्कुल भी नहीं। बहुत लोग कहते हैं ना कि नहीं, जो भी हो हम भर्ती होने से मतलब, चाहे वेतन काटे, चाहे स्टाइफन शब्द रखे, चाहे वो परिवीक्षा अवधि बढ़ाए, अरे कम से कम जॉब तो दे दे। क्या करोगे ऐसे जॉब का बताओ? हमसे अच्छा तो शिक्षा कर्मी है, 2 साल में उनका रेगुलर हो जाएगा। शिक्षा कर्मी ही बहुत बढ़िया था, हमारा क्या हो रहा है बताइए? 2 साल ऐसे भी विलंब हो गया, आने वाले समय में 1 साल का समय बढ़ाए हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 साल में हमको भर्ती मिल जाएगी, पोस्टिंग मिल जाएगी। सरकार जो है चुनाव तक खींच सकता है उसको, तो अभी विरोध करें और इतना विरोध करें कि सरकार को हमारा क्रोध, हमारा गुस्सा, हमारा आक्रोश, हमारा विरोध बिल्कुल दिखना चाहिए। भले आप मर्यादित शब्दों में करें, मैं नहीं कह रहा कि आप गाली दें, मर्यादित शब्दों में करें, लेकिन आक्रोशित होकर के करें, गुस्से के साथ करें और सभी चीज़ों का विरोध करें, स्टाइफेंड शब्द का विरोध करें। देखिए आप इस शब्द का आप विरोध करेंगे, वेतन कटौती का विरोध करेंगे तो आप अकेले बिल्कुल खड़े नहीं होंगे, बहुत सारे विभाग आपके साथ में खड़े हो जाएंगे। परिणाम चाहे कुछ भी हो, अभी तक आवेदन निवेदन से कुछ परिणाम हमको मिला है क्या बताइए? अभी तक अच्छी चीज़ें हमारे हित में हुई हैं क्या? नहीं हुई हैं। तो परिणाम की चिंता मत करिए, क्या होगी, भर्ती लटक जाएगी, निरस्त ऐसा कुछ भी नहीं होगा, निरस्त तो बिल्कुल नहीं होगा, भर्ती तो होगी 100%, लेकिन भले अभी ना हो बाद में होगी। तो हम क्यों समझौते के आधार पर नौकरी करें? हमें नहीं चाहिए ऐसी नौकरी जिसमें हमारा शुरू से लेकर अभी तक अहित हो। साथियों बस यही कहना था मेरा, और ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आपको सही लगता है तब भी ठीक है, गलत लगता है तब भी ठीक है, मेरा पक्ष मैं यही रखूँगा और मैं अपना पक्ष आपके कहने से बदलने वाला नहीं हूँ, या मेरे कहने से आप अपना पक्ष बदलें ऐसा भी मैं आपको दबाव बना करके नहीं कहता। लेकिन इसमें विचार ज़रूर करें, हम समझौते के आधार पर नौकरी करके क्या हासिल कर लेंगे? अभी देखिए केंद्र सरकार ने भी फरमान जारी कर दिया है 50 साल के बाद रिटायरमेंट करके। अभी किसी किसी का हमारे संगठन में किसी किसी का उम्र 35 साल 40 साल होने को है। अब 10 साल 15 साल नौकरी करके क्या कर लेंगे? हम इतने लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं इस कब हमारी नौकरी लगे करके, और इस तरह से मारामारी के दौर में, इस तरह से कंपटीशन के दौर में नौकरी हमारी लग जाती है तब भी हम जो है विवश होकर के सरकार के आगे मजबूर होकर के झुक करके हर तरह के समझौते के लिए तैयार हो जाते हैं। गलत है ये, समझौता बिल्कुल नहीं होना चाहिए। विरोध हो, 5 सितंबर को जब हम विरोध प्रदर्शित करें तो उसमें स्टाइफेंड शब्द का भी उल्लेख हो, और जो परिवीक्षा अवधि बढ़ाया गया है उसके संबंध में हो, और वेतन कटौती के संबंध में हो, और साथ ही साथ जो 1 साल अभी बढ़ाया गया है समय भर्ती का उसके संबंध में हो। हमको साल बढ़ाना नहीं है, हमको नियुक्ति चाहिए, 1 महीने के अंदर में नियुक्ति चाहिए। ये सारी मांगें रखनी चाहिए। धन्यवाद साथियों सुनने के लिए। हो सकता है किसी को मैं गलत लगूं और किसी के दिल को ठेस पहुंची हो मेरे बात से, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, और आपको जो ठीक लगे वो करिए, मैंने अपना विचार रख दिया। धन्यवाद।